नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने एक ऐतिहासिक सीरीज दर्ज की। 7 विकेट से न्यूजीलैंड को भारत ने रौंदा और पहली बार न्यूजीलैंड में टी20 में जीत का स्वाद चखा। अब तक पिछले 10 से 12 सालों में भारतीय टीम ने एक भी टी20 मैच नहीं खेला है। 2007 के बाद से ही टी20 फॉर्मेट का चलन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ हम उतने हावी नहीं हो पा रहे थे और न्यूजीलैंड में हम एक भी टी20 नहीं जीते थे। ऐसे में ऑकलैंड टी20 में भारत के पास मौका था रिकॉर्ड बनाने का। ऑकलैंड का मैदान मैच से पहले ही न्यूजीलैंड के लिए एक जिसे हम कहते हैं कि बुरे सपने की तरह है, क्योंकि 5 में से 4 मैच न्यूजीलैंड ने ऑकलैंड में गंवाए हैं। और जिस तरह से पिच लो थी, बहुत लंबा टारगेट भारत को नहीं मिला था, 158 रन ही बना पाया था न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन भारतीय टीम ने बहुत जल्दी इस सीरीज़ को अब जो है खोल कर रख दिया है। 1-1 से सीरीज़ फिलहाल बराबर हो गई और जिस तरह से भारतीय टीम यहां पर खेली है वो वाकई तारीफ के काबिल है। और जिस तरह से ऋषभ पंत ने बाद में बल्लेबाजी की, थोड़ा बहुत महेंद्र सिंह धोनी का जो उत्तराधिकारी उन्हें कहा जाता है वो लग भी रहे हैं, क्योंकि फिर मैच को ख़त्म करके आए हैं, मैच को पूरा करके आए हैं। और ऋषभ पंत पहले मैच में जिस तरह से फ्लॉप हुए थे उनकी काफ़ी आलोचना की गई थी, लेकिन दूसरे मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के साथ वो वापस आए हैं। ऐसे में उनका परफॉर्मेंस ही ये साफ दर्शाता है कि भारतीय टीम में दमखम है और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता भारतीय टीम अब टी20 फॉर्मेट में भी अपना कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। 40 रन ऋषभ पंत ने बनाए, 28 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का जड़ा। इससे पहले आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी का फैसला थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि ऑकलैंड हो या फिर कहीं किसी भी मैदान में, आप न्यूजीलैंड में जब नाइट में टी20 खेलते हैं तो अमूमन दूसरी पारी में आप बल्लेबाजी करना चाहते हैं, लेकिन आज परखना चाहते थे केन विलियमसन अपनी टीम को। शुरुआत में जो पहला झटका मिला वो साइफर्ट के रूप में न्यूजीलैंड को लगा, क्योंकि कृणाल पांड्या के स्पेल आने से पहले भुवनेश्वर कुमार ने जो सबसे डेंजरस बल्लेबाज थे इस सीरीज़ के, पहले मैच में उन्होंने 84 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। कोलिन मुनरो के साथ एक अच्छे स्टार्ट की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन टीम के 15 रन के स्कोर पर साइफर्ट का विकेट भारतीय टीम को मिल गया। और उसके बाद जो 3 सबसे महत्वपूर्ण विकेट जहां पर कमर तोड़ी पूरी न्यूजीलैंड की टीम की, वो कृणाल पांड्या के स्पेल ने ली। 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट झटके, मैन ऑफ द मैच भी कृणाल पांड्या ही बने। लेकिन यहाँ पर कृणाल पांड्या ने अपने स्पेल में केन विलियमसन की विकेट ली, डैरिल मिशेल की यहाँ पर विकेट ली और साथ ही यहाँ पर कोलिन मुनरो जैसे खिलाड़ी को भी अपना शिकार बनाया। एक समय न्यूजीलैंड का स्कोर 50-4 हो गया था, लेकिन उसके बाद रॉस टेलर जो सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है न्यूजीलैंड के, रॉस टेलर और यहाँ पर कोलिन डी ग्रैंडहोम ने मिलकर 77 रनों की साझेदारी की और 127 तक न्यूजीलैंड के स्कोर को पहुँचाया। और इस स्कोर को पहुँचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई दोनों ही बल्लेबाजों ने। यहाँ पर कोलिन डी ग्रैंडहोम ने अर्धशतक भी जड़ा, 28 गेंदों में 50 रन की उन्होंने पारी खेली। रोहित शर्मा ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा कोलिन डी ग्रैंडहोम का। इसके बाद रॉस टेलर पार्टनरशिप जमाने की कोशिश कर रहे थे सेंटनर कुगलिन और साउदी के साथ, लेकिन शायद पार्टनरशिप उतनी बेहतर बना नहीं पाए। सेंटर ने भी बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी ओवर जब खलील अहमद का था तो वहाँ पर पूरी तरह से भारतीय टीम ने डोमिनेट किया। लेकिन जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने आज गेंदबाजी किया, थोड़ा सा एक बार फिर महंगे साबित हुए हैं। 4 ओवर में 36 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट हासिल किया 9 की औसत से। यहाँ पर सबसे बेहतरीन अगर गेंदबाजी हम माने तो आज खलील अहमद ने की है। 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट झटके थे, 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट भुवनेश्वर कुमार ने अपने नाम किया। जो पहली बड़ी सफलता भारत को दिलाई वो वाकई में जो है वो काबिले तारीफ है। लेकिन जब भारत बल्लेबाजी करने उतरा तो किसी को पता नहीं था कि आज बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स जो हैं वो ध्वस्त होने वाले हैं। आज कप्तान रोहित शर्मा ने पूरी तरह से ये टी20 को यादगार बना लिया है। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि उन्होंने टी20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बना लिए हैं। जी हाँ, इंटरनेशनल टी20 में अब रोहित शर्मा नंबर 1 हो चुके हैं, 2288 रन उन्होंने बनाए हैं। उनके बाद मार्टिन गुप्टिल हैं, मार्टिन गुप्टिल के उनके रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा, 2272 रन मार्टिन गुप्टिल के नाम है। इस सीरीज़ में है नहीं गप्टिल, इस वजह से रोहित के पास मौका था इस रिकॉर्ड को तोड़ने का। शोएब मलिक तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 2263 रन बनाए हैं, यानी कि रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा रन बनाने का एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। तीसरे टी20 में मार देंगे तो लीड ले लेंगे यहाँ पर मार्टिन गप्टिल से। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने की तो भी रोहित शर्मा इंटरनेशनल टी20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने वाले
बल्लेबाज बन गए हैं। 20 बार उन्होंने अर्धशतक जड़ा है, विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ा है। विराट कोहली के नाम 19 अर्धशतकों का रिकॉर्ड था और अब T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा अर्धशतक रोहित शर्मा के नाम हो चुके हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर मार्टिन गप्टिल हैं जिनके नाम 16 अर्धशतक हैं। यानी कि आज पूरी तरह से डोमिनेट किया है रोहित शर्मा ने और अब दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं 100 सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में। 101 छक्के रोहित शर्मा ने अब तक अपने इंटरनेशनल करियर में जो जड़े हैं, तो पूरी तरह से पहले भारतीय बल्लेबाज तो बन ही गए हैं कि जिन्होंने 100 छक्के मारे हैं T20 इंटरनेशनल में, लेकिन पूरी तरह से अब वर्ल्ड को काबू करने के लिए उनके पास सिर्फ 3 छक्के और जड़ देंगे तो वो आसानी से इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लेंगे। फिलहाल वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो क्रिस गेल और मार्टिन गप्टिल के नाम है जिन्होंने 103 छक्के मारे हैं अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो भारतीय टीम ने पूरी तरह से डोमिनेट किया है, लेकिन अब क्या इस सीरीज़ में अब भारत को क्या मिलने वाला है, क्योंकि 2020 विश्व कप की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और मुझे याद है मैच शुरू होने से पहले रोहित शर्मा ने एक बात कही थी कि पहला मैच हारने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि कोई खिलाड़ी ख़राब है या कोई खिलाड़ी अच्छा है। हम सभी खिलाड़ियों को भांपना चाहते हैं। कुलदीप यादव ने अच्छा किया है, लेकिन कुलदीप को हम इसलिए नहीं खिला रहे, उनको थोड़ा सा आराम करा रहे हैं। वही कृणाल पांड्या को भी आपको खिलाना था और आज देखिए कृणाल पांड्या को बाहर नहीं करना रोहित को कितना फ़ायदा पहुंचा गया। 4 ओवर में 28 रन देकर 3 बड़ी सफलताएं उन्होंने हासिल की। और जो सबसे बड़ी बात थी, आज ऑकलैंड की विकेट जो थी वो थोड़ा सा स्लो विकेट थी, यहाँ पर थोड़ा सा भारतीय पिचेस को फेवर कर रही थी। ऐसा लगा कि आज न्यूजीलैंड की टीम जो है फंस रही है पूरी तरह से। अगर कोलिंडी ग्रैंडहोम की पारी को निकाल दें और रॉस टेलर की पारी को निकाल दें तो फिर कुछ खास बचा नहीं था न्यूजीलैंड के पास दिखाने के लिए। ऐसे में भारतीय टीम ने आज बेहतरीन बल्लेबाजी करके मैच को जीता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत को आज एक नया फिनिशर मिला है, ऋषभ पंत, जिनकी काफ़ी आलोचना हुई थी पहले T20 में फ्लॉप होने के बाद। आज उन्होंने कोई भी ख़राब शॉट नहीं खेली, शुरुआत में ज़रूर थोड़ा सा असहज लग रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक अच्छी पारी खेलकर मैच को एंड तक लेकर गए और मैच जिताकर वापस आए। महेंद्र सिंह धोनी का उन्हें साथ मिला, विजय शंकर के साथ भी उन्होंने एक छोटी सी लेकिन अच्छी दमदार साझेदारी की, जिसकी वजह से भारतीय टीम की जीत की नींव रख दी। क्योंकि एक समय 88 पर भारत का जब दूसरा विकेट गिरा था शिखर धवन के रूप में, तो लगा कि शायद भारत फंस सकता है, क्योंकि स्टार्ट हमें अच्छा मिल गया था। करीब करीब हम यहाँ पर 10 ओवर के आसपास 11 ओवर में 80 रन लगा चुके थे बोर्ड पर। तो रोहित शर्मा की विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा कि नहीं भाई, भारतीय टीम जो है शायद ही मैच में वापसी कर पाए, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंस को पकड़ के रखा और मैच को आगे तक लेकर गए। ऋषभ पंत की अगर पारी की बात की जाए तो 40 रनों की नाबाद उनकी पारी, और शायद अब भारत को ऐसा लग रहा है कि उनको धोनी का विकल्प मिल चुका है, धोनी का उत्तराधिकारी मिल चुका है। और अगर महेंद्र सिंह धोनी इसी तरह से प्रदर्शन करते चले गए या फिर ऋषभ पंत इसी तरह से प्रदर्शन करते चले गए तो साफ तौर पर वो मैच को आसानी से जिता सकते हैं, ख़त्म करके आ सकते हैं। काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है, वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में है अभी फ़िलहाल ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस ही ये डिसाइड करेगी कि आपको किस तरह से क्रिकेट खेलनी है, किस तरह से मैच को आगे लेकर जाना है। फिलहाल देखना होगा कि भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करेगी। हैमिल्टन में की विकेट की अगर बात की जाए, जो तीसरा T20 जहां पर होने वाला है, वो हैमिल्टन की विकेट ही ये डिसाइड करेगी कि भारतीय टीम जो है वो मैच को कहां लेकर जाएगी। इस बार सीरीज जीतने का भी भारत के पास मौका है, लेकिन भारत को अगर यहां पर प्रदर्शन करना है तो ये बहुत तय इंपॉर्टेंट है कि भारतीय टीम यहां पर जो प्रदर्शन कर रही है वो उसको करते चले जाना चाहिए। फिलहाल अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का जो प्रदर्शन है वो भी मायने रखेगा, क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दौरा है ये बेहद शानदार रहा है भारत के लिए। मतलब नवंबर दिसंबर से लेकर भारतीय टीम के साथ कुछ ख़राब नहीं हुआ है। ऐसे में दौरे को एक अच्छे नोट पर एंड करना चाहेगी भारतीय टीम। न्यूजीलैंड के लिए आज थोड़ा सा ख़राब दिन है, ओवर कॉन्फिडेंट आज ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड की टीम भी नज़र आ रही है, क्योंकि आज उन्होंने सेम टीम खिलाई और टॉप ऑर्डर उनका भी कोलैप्स हुआ, और केन विलियमसन के आउट होने के बाद पूरी की पूरी टीम यहां पर बिखर कर सामने आ गई। भारतीय टीम ने एक अच्छा चैलेंज दिया यहां पर न्यूजीलैंड की टीम को, 1-1 से सीरीज़ की बराबरी कर ली है और भारतीय टीम अब इतिहास रचने की दहलीज पर है। हो सकता है कि आगे स्कीम ऑफ थिंग्स में बाकी खिलाड़ियों को भी जोड़ा जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ भारत की T20 टीम बिल्ट होती नज़र आ रही है। यानी कि 2020 में जो T20 विश्व कप होना है ऑस्ट्रेलिया में, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत की टीम आहिस्ता आहिस्ता और बड़ी होती चली जा रही है। अब तक तो हमारा टॉप ऑर्डर ही पूरी तरह से डोमिनेट करता चला आ रहा था, लेकिन आज मिडिल ऑर्डर में भी हमने देखा, हमने परखा, ऋषभ पंत को नंबर 4 पर आज मौका दिया गया और नंबर 4 पर
माफ कीजिएगा, नंबर 3 पर मौका दिया गया, और नंबर 3 पर आकर उनका जो एंकर इनिंग्स जो का जो उन्हें काम दिया गया था उस इनिंग को उन्होंने बखूबी निभाया है। लंबी लंबी हिटें भी मारी हैं, चौके भी जड़े हैं, और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि भारतीय टीम प्रेशर में है। आखिरी 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे, लेकिन मैच 19वें ओवर में ही ऋषभ पंत ने मैच को ख़त्म किया। तो कहीं ना कहीं अब सीखने को मिलेगा, और हो सकता है कि आने वाली वनडे सीरीज़ में ऋषभ पंत को मौका मिले और वो भारत को अब आगे लेकर जाए। तो फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।